छात्रों, आज हम कक्षा नौवीं में जो हमारा अध्याय छह और जो उत्तर वाला जो लेसन चल रहा था उसका हम भाग तीन पढ़ेंगे। तो ये उत्तर में हमने अभी तक है पादप उत्तर पढ़ा, जंतु उत्तर, जंतु उत्तर का हमने एपिथीलियम उत्तर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा उत्तर है वो है संयोजी उत्तर। ये है सब जंतुओं में पाए जाते हैं। तो जो संयोजी उत्तक है इसको भी हम पांच भागों में बांट सकते हैं, रक्त, अस्थि। अस्थि का एक और नाम होता है हड्डी, अस्थि माने हड्डी। उपास्थि, एवियोलर और वसा में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो संयोजी उत्तक है और जिसमें एक रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, तो जब हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं तो जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो थोड़ा सा आपस में कम जुड़ी हुई रहती हैं। और जो रक्त में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये संयोजी ऊतक में और रक्त में जो तरल पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। रक्त का जो भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो देखिए इस प्रकार होती हैं। रक्त में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप देखेंगे जो प्लाज्मा है उसका जो तरल पदार्थ होता है रक्त का प्लाज्मा, ये इस प्लाज्मा में रहती है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होता है लिम्फोसाइट भी रहते हैं और एक उसमें रहते हैं प्लेटलेट। ये प्लेटलेट से रहते हैं जो रक्त की थक्का जमने में मदद करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं आप श्वेत रक्त कणिकाएं विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं हमारे रक्त में। अब जो हमारा रक्त है क्या करता है कि पूरे शरीर में और वाहिनियों में घूमता रहता है और ये हमारे पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं
उनका भी परिवहन करता है, और साथ में जो व्यर्थ और अनुपयोगी पदार्थ है उसका भी, उनको का भी वहां निश्चित जगह पर रखता है। और जो लाल रक्त कणिका है हमारे शरीर की, आप देखेंगे कि ये हड्डियां रहती हैं, एक अस्थि संयोजी ऊतक होता है उसके अंदर भी ये लाल रक्त कणिकाएं बनती है। और दूसरा ऊतक है, एक रक्त हो गया, दूसरा है अस्थि संयोजी ऊतक, इसको हम कंकाल संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है हड्डियां ही हमारे शरीर की बहुत कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, और हमारे शरीर का क्या बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। इस प्रकार आप हड्डी की भी देख सकते हो कि किस प्रकार इनका जो काट बनाया है और उसके अंदर ये लाल रक्त कणिका है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद अस्थि संयोजी ऊतक में एक पाया जाता है स्नायु, स्नायु को हम लिगामेंट भी कह सकते हैं। ये लिगामेंट क्या करता है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, एक हड्डी है आपके हाथ की और दूसरी हड्डी है, तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, स्नायु, या इसको लिगामेंट भी कहते हैं। ये मजबूत और लचीला होता है, ये अस्थि संयोजी ऊतक में आता है, इसके बारे में पूछा जाता है। अगला है, एक होता है टेंडन, या इसको हिंदी में कंडरा भी बोलते हैं, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और ये हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशियां जो गति करती हैं उससे जोड़ता है, ये भी रेशेदार मजबूत और लचीला होता है। तीसरा ऊतक है उपास्थि संयोजी ऊतक, ये जो उपास्थि संयोजी ऊतक है ये हमारे नाक कान व श्वसन नली में कहीं कहीं पाया जाता है, और ये आसानी से मुड़ जाता है। ये जो उपास्थि ऊतक है ये आसानी से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। आप देख रहे हो ये इसका ये मैट्रिक्स है, और इस प्रकार ये कोशिकाएं पड़ी हैं, इसको उपास्थि कहते हैं। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं ना, नाक में हम छेद भी कर सकते हैं, हड्डी नहीं होती है, कान में आप लोग बाले पहनते हैं जो, तो वहां भी हड्डी है, सारे अंगों में क्या पाया जाता है, उपास्थि संयोजी ऊतक। उसके बाद हमारा जो अगला ऊतक है वो है एरियोलर ऊतक, ये एरियोलर ऊतक है हमारी जो मांसपेशियां हैं शरीर की और रक्त नलिका उनके चारों ओर पाया जाएगा, और ये क्या करता है, ये भी मजबूती प्रदान करता है अंदर के अंगों को, और अंगों के भीतर की जो खाली जगह होती है उसको भरता है और ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। ये देखिए एरियोलर ऊतक का ये चित्र है, ऊतक का अर्थ आप समझते हो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं ऊतक, और इसमें इस प्रकार रचनाएं पाई जाती हैं। तो ये हमारा हो गया चौथा एरियोलर ऊतक। इसके बाद जो हमारा अगला ऊतक आता है पांचवा, वो आता है वसामय ऊतक, नाम से समझ में आता है कि इसमें वसीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये हमारी त्वचा के नीचे स्थित शरीर में जहां भी वसा ये इकट्ठा होता है वहां वसा में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ये इसका देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये खाली स्थान, यहाँ पर वसा पूरा जमा हुआ है, और ये कोशिकाएं हैं इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो वसा में ऊतक है ये शरीर में त्वचा के नीचे जमा होता है, और कभी कभी आवश्यकता से यदि ज्यादा जमा हो जाता है तो इस प्रकार शरीर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगला ऊतक है हमारा, वो जो आपने पूर्व में पढ़े वो संयोजी ऊतक के प्रकार थे,
अब हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक। पहले आपने पढ़ा एपिथेलियल ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, और ये तीसरा नंबर है पेशी ऊतक। पेशियां कई प्रकार की होती है, उसमें से पहला प्रकार है रेखित पेशी। रेखित पेशी या इसका एक दूसरा नाम है ऐच्छिक पेशी। इसका एक और नाम है कंकाल पेशी। अब इसके नाम से हम समझते हैं, रेखित पेशी है मतलब इसकी रचना में रेखाएं दिखती हैं, धारियां आप देख रहे हैं ऐसी, और बीच बीच में टेंडर पाए जाते हैं। ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। हमारे ये हड्डियों से पेशियां जुड़ी रहती हैं, जैसे हमें खड़े होना है हमारी इच्छा, तो ये पेशियां वहां पर जुड़ी हुई रहती हैं। मतलब ये जो ऐच्छिक पेशी है जंतु की इच्छा अनुसार क्या करेंगी, कार्य करेंगी। अब इनको कंकाल पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंकाल तंत्र से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसको हम कंकाल पेशी कहते हैं। तो ये इच्छा अनुसार करेंगे, और ये कहाँ पाई जाती है, ये हाथ और पैर की पेशियों में। इस प्रकार ये हाथ और पैर की पेशियों में ये रेखित पेशियां पाई जाती हैं। दूसरी पेशी है हमारी, वो है अरेखित पेशी। दूसरी है अरेखित, इसका एक नाम है चिकनी पेशी या अरेखित पेशी। का हम एक नाम और बता सकते हैं, अनैच्छिक पेशी। चिकनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आकार होता है वो उसमें एक केंद्रक है, और ये सब ये चिकनी होती है। आप देख रहे हैं ना, ये एक पेशी, ये बहुत सारी पेशियां दिख रही हैं, इसलिए इनको आरेखित मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ये शरीर में पाई जाती है, जैसे आहार नाल की नली में, और भी आप देख सकते हो फेफड़े में, श्वसन नली में, आपने एक बार भोजन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो अंदर जाकर भोजन को कहाँ जाना है, किस अंग में जाना है, ये स्वयं वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हमारी इच्छा यहाँ नहीं रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम अनैच्छिक पेशी। अब इसमें रेखाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आरेखित पेशियां। तो ये पेशी ऊतक में एक हमने पढ़ा अभी ऐच्छिक पेशी, दूसरा आरेखित या चिकनी पेशी, एक और पेशी होती है हृदय पेशी। ये देखिए तीसरे नंबर की है हृदय पेशी, या इसको कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। ये पेशियां जो हैं
ये हमारे हृदय में पाई जाती है। इनका एक दूसरा गुण है कि ये पेशियां कभी थकती नहीं है। ये कभी थकती नहीं है, हमेशा ये पेशियां गति करती रहती हैं और हमारे हृदय में पाई जाती हैं। आप देखते हो हृदय की धड़कन हमेशा चालू रहती है, मृत होने के बाद भी ये पेशियों की गति रुकती है। उसके बाद ये हमारा पेशी ऊतक हो गया, चार नंबर तक उसके प्रकार हो गए। उसके बाद हमारा जो आता है पांचवा वो होता है तंत्रिका ऊतक। पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। एक तंत्रिका कोशिका को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये आपके सामने न्यूरॉन का ये चित्र दिख रहा है। न्यूरॉन का एक लंबी कोशिका है हमारे शरीर की, इस प्रकार आप ये देख रहे हो। केंद्रक होता है और इसके जो सिरे निकले रहते हैं ये डेंड्राइट, उसका एक भाग थोड़ा सा पतला हो जाता है और इस पतले भाग को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिकाक्ष के सिरे निकले हुए रहते हैं और ये केंद्रक है और ये पूरा ये वाला हिस्सा कहलाता है कोशिका काय और ये वाला हिस्सा कहलाता है तंत्रिकाक्ष। और ये जो निकले रहते हैं तो ये तंत्रिका कोशिका का जाल फैला रहता है, एक का ये सिरा इसके सिरे से मिलता है तो इस प्रकार ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर की, तो ये स्पंदन होता है, तंत्रिका में जो स्पंदन होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं में ही होता है। तो कोई भी संवेदना आप यहाँ देख सकते हो स्पंदन का, गुजरने वाली संवेदना को हमारे शरीर में जितनी संवेदनाएं हैं वो तंत्रिका रेशे से गुजरेंगी और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, स्पंदन। और इसी स्पंदन के अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। तो इस प्रकार ये तंत्रिका ऊतक हो गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप देख सकते हो, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर बताइए, न्यूरॉन और ये सारा जितना भी ऊतक है ये आपकी शरीर की रचना है और इससे आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी मिलती है। धन्यवाद।